नैन्सी पेलोसी अमरीकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा की प्रमुख हैं। वो इस सदन की पहली महिला प्रमुख हैं और ताइवान की खतरनाक यात्रा का इरादा रखती हैं। चीन ने धमकी दी है कि इस यात्रा का जवाब सैनिक कार्यवाही के रूप में भी दिया जा सकता है, इसलिए वो बेहतर है कि वहाँ न जाएं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अखंडता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। जो बाइडेन ने इस मामले में सेना को बीच में लाते हुए कहा कि ये यात्रा सेना की नजर में दुरुस्त आइडिया नहीं है। अब होगा क्या, ये सवाल मैंने चीनी सरकारी टीवी के पत्रकार दो जीजो से पूछा। The United States behave on the... पत्रकार ने कहा कि ये इस पर निर्भर है कि अमेरिका ताइवान के मसले को कहां तक ले जाना चाहता है। अमेरिका के वर्तमान रवैये ने चीन और रूस को एक दूसरे के ज्यादा करीब कर दिया है। ताइवान के बिल्कुल करीब सैनिक अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ताइवान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। ताइवान की 24-25 मिलियन की आबादी है। चीन का कहना है कि कीड़ा एक रथ की आगे बढ़ने की प्रक्रिया को रोक नहीं पाएगा। चीनी अधिकारियों का स्वर कठोर होता जा रहा है और उनकी तरफ से बार बार कठोर बयान देखने में आ रहे हैं। अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो ये भी संभव है कि चीन ताइवान स्ट्रेट को बंद करके इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाए या कोई और कदम उठाए जिसके बारे में भविष्य का समय ही बता सकेगा। बहरहाल इस समय के हालात तनाव बढ़ने का इशारा दे रहे हैं। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।